हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स द नेम ऑफ द रिएक्शन इज ऑप्शन बी इज वुड्स रिएक्शन ऑप्शन सी इज सेंड मेयर रिएक्शन एंड ऑप्शन डी इज वुड्स रिएक्शन बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट कराते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के साथ तो वहाँ हमें डायफिनाइल देखने को मिलता है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कांसेप्ट के बारे में क्योंकि तो क्लोरोबेंजीन क्या है हमारे पास एक काइंड का एरिल हैलाइड बोल सकते हैं एरिल हैलाइड है तो की कांसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल विद सोडियम मेटल विद Na मेटल इन ड्राई ईथर यही हमारे पास की कांसेप्ट होगा बच्चों कि हमारे पास जब हम एराइल हेलाइड को ट्रीट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ और वो भी किसकी प्रेजेंस में हमने सॉल्वेंट ले लिया है ड्राई ईथर तो वहाँ क्या देखने को मिलता है हमारे पास क्या बन रहा है और इस रिएक्शन को बोलते क्या है तो क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों रिएक्शन ऑफ एराइल हेलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ड्राई ड्राईथर एक सोलवेंट की तरह काम करता है तो क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चों हमें एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास कौन है ये हमारे पास

तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन को बोलते क्या हैं? तो समझते हैं बच्चों अगर हम ट्रीट कराते हैं हमारे पास मान लीजिए कोई ग्रुप है और ये एक्स कौन है बच्चों हेलोजन है ये आर ग्रुप है बच्चों और ये एक्स कौन है हेलोजन है है हेलोजन अभी हम समझते हैं इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? या तो ये आर ग्रुप क्या हो सकता है हमारे पास या तो ये आर ग्रुप हो सकता है हमारे पास कोई एलकाइल ग्रुप कौन हो सकता है बच्चों एलकाइल ग्रुप या फिर ये आर ग्रुप कौन हो सकता है हमारे पास कोई एराइल ग्रुप कौन हो सकता है कोई एराइल ग्रुप अब समझना है इसको ध्यान से अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करा देते हैं एन के साथ ट्रीट करा देते हैं और हमने दो एन ले लिया और अगेन एक और मॉलिक्यूल ले लिया इसी का ही एक और मॉलिक्यूल ले लिया और ले लिया है और हमारे पास क्या देखने को मिलता है हमारा यहाँ से टू एन एक्स निकल जाता है और आर और आर के बीच में बॉन्ड बन जाता है आर और आर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा अगर आर हुआ बच्चों एल्काइल तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा यहाँ हमारे पास एल्केन्स बन जाएंगे एल्काइल और एल्काइल के बीच के बॉन्ड को ही तो एल्केन्स बोलते हैं मान लीजिए सी एच थ्री एक एल्काइल ग्रुप था हमारे पास और अगेन सी एच थ्री एक और आ गया है तो ये एल्केन नहीं बन गया बच्चों एल्केन्स बन जाएगा या तो प्रोडक्ट एल्केन बन सकता है साथ में बनता है बच्चों यहाँ पे टू एन एस अभी हम आर आर की बात कर रहे हैं ये जो आर आर है ये कौन हो सकता है या तो एल्केन हो सकता है अगर आर हमारे पास एराइल ग्रुप हुआ तो ये क्या बन सकता है हमारे पास एक डाइफिनाइल कंपाउंड बन सकता है एक डाइफिनाइल टाइप का कंपाउंड बन सकता है डाइफिन कंपाउंड कम, बन सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पास ये दो बेंजीन रिंग थी बच्चों दो बेनजीन रिंग थी ये एक दूसरे से इस तरह अटैच थी अगर आर एराइल अर, ग्रुप हुआ तो ये वाला कंपाउंड बन सकता है तो इसी बेसिस पे इनके नेम्स भी लिखे जाते हैं इसी बेसिस पे इनके नेम्स भी लिखे जाते हैं अगर हमारे पास आर एल्काइल ग्रुप होता है दैट मीन्स हम किसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हलाइड की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ बच्चों सोडियम मेटल के साथ और हमने ले लिया है ड्राई ईथर ड्राई ईथर तो हमारे पास क्या बन जाते हैं एल्केन्स बन जाते हैं कपलिंग हो जाती है एल्काइल एलकाइल ग्रुप के बीच में और जो ये एल्केन्स बनते हैं इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन मान लीजिए मेरा आर आर ग्रुप है Rx है एक्स मैंने सोडियम मेटल लिया है अगेन आर एक्स ले लिया है ये इस बार एल्काइल हेलाइड है कौन है बच्चों आर एक्स एल्काइल हेलाइड है ईथर ले लिया है ड्राई ईथर ले लिया है ईथर तो मेरे पास कौन बन जाएगा आर आर ये एल्केन बन जाता है मेन प्रोडक्ट तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बोलते हैं लेकिन अगर मेरे पास एक एल्काइल एक एराइल ग्रुप हो और दूसरा भी अराइल ग्रुप हो फ्पल मैं एक बार एराइल लेराइड और मेटल सोडियम और ले तो हमारे पास डाइफिनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं डाइफिनाइल फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया है ये कोई हेलोबेंजीन है बच्चो यहाँ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है इससे और एक सोडियम मेटल अगेन यहाँ दो कर लेते हैं बच्चों इसको टू हमारे पास बैलेंसिंग के लिए और यहाँ अगेन कौन होगा एक और हेलो बेंजीन ले लिया बच्चों ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ एक्स है और यहाँ साथ में बच्चों टू एन एक्स भी बनता है तो हमारे पास क्या होगा ये हेलोजन ये सोडियम मेटल और ये हेलोजन यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे पास ड्राई ईथेड की प्रेजेंस में क्या देखने को मिलता है हमारे पास डाइफिनाइल कंपाउंडस बन जाते हैं डाइफिनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं तो ये वाली जो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे दोनों ही हेराइल हेलाइड हो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों क्या फिटिक रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों इसको फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन और अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक एल्काइल हेलाइड हो और एक एराइल हेलाइड हो एल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड ले लिया बच्चों हमने अगेन सोडियम मेटल ले लिया और एक एल्काइल हेलाइड ले लिया एक एराइल हेलाइड ले लिया एराइल हेलाइड और इस बार अगर हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसको समझना है ड्राई ईथर ले लिया ड्राई ईथर ले लिया तो अगर हम बात करें मान लीजिए कि आर कौन है मेरे पास एक एलकाइल ग्रुप है और एक हेलोजन से अटैच है यहाँ हमारे पास हमने दो सोडियम मेटल को ले लिया एक एराइल हेलाइट को ले लिया दैट ये मीनसिंग है हमारे पास और यहाँ एक हेलोजन है तो क्या होगा इस बार यहाँ हमारा टू एन ए अगेन निकल जाएगा और एलकाइल और एराइल ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी बॉन्डिंग बन जाएगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा एक काइंड का

अगर हम बात करें हमारे पास सेंट मेयर्स रिएक्शन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं बेसिकली हम बेंजीन क्लोराइड को कॉपर के साथ ट्रीट कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं मान लीजिए ये मेरे पास कौन है बच्चो एनएसू ग्रुप है ये एनिलीन है अगर हम इसको बच्चों एन एनओ टू के साथ ट्रीट कराते हैं एन एनओ टू के साथ ट्रीट करा देते हैं और यहाँ हमने एच एक्स ले लिया है एच एक्स कोई हेलोजन एसिड है और हम यहाँ जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ रखते हैं तो यहाँ हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है ये सॉल्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ एन टू पॉजिटिव और ये एक्स पर नेगेटिव ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बना है बच्चों अब अब हम क्या करते हैं सेंड में रिएक्शन के अंदर इसे कॉपर सॉल्ट के साथ ट्रीट कराते हैं किसके साथ ट्रीट कराते हैं कॉपर सॉल्ट के साथ ट्रीट कराते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते ले हैं कॉपर सी यू टू एक्स टू सी यू टू एक्स टू जनरली ये कौन होता है एक्स यहाँ पे यहाँ पर पर सीएल या बी आर होता है जनरली हेलोजन को लेते हैं सी एल या बी आर को लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बच्चों क्या बन जाता है हेलो बेंजीन बन जाता है यहाँ पे हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं तो बच्चों हमें तो क्वेश्चन ने कहा डाइफिनाइल बन रहा है तो सेंडमेयर में तो बनते हैं हेलो बेंजीन तो सी तो गलत हो जाएगा बच्चों फिटिक रिएक्शन और वुड रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में सिर्फ हमारे पास क्या बनते हैं एल्केन्स बनते हैं डायफिनाइल तो नहीं बनता एल्काइल एल्काइल के बीच में रिएक्शन होती है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा फिटिक रिएक्शन में और वुड्स वुटिक रिएक्शन में वुड्स वुटिक रिएक्शन में बच्चों हमारे पास एक एल्काइल और एक अराइल होता है तो वहाँ हमारे पास क्या बनता है एक एल्काइल बेंजीन बन जाता है एक काइंड का तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास डायफिनाइल बनते हैं सिर्फ पिटिक रिएक्शन में क्योंकि उसमें हमारा सिर्फ एराइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा देखो फाइनल आंसर इज The reaction is critic reaction. I hope you understood it well and best job